मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी से जलन हो रही है। आई फील जेलस ऑफ योर सेक्रेटरी। काफी लोग इसको बोलते हैं सेक्रेटरी, पर ये होता है सेक्रेटरी। तुम उसके साथ इतना वक्त बिताते हो। यू स्पेंड सो मच टाइम विद हर। यू स्पेंड सो मच टाइम विद हर। वो आपका पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। शी इज टेकिंग अप ऑल ऑफ योर अटेंशन। शी इज टेकिंग अप ऑल ऑफ योर अटेंशन। मेरे और मेरी सेक्रेटरी के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। देर इज नथिंग गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड माई सेक्रेटरी। देर इज नथिंग गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड माई सेक्रेटरी। एक बार इंग्लिश की लाइन को सुनकर दूसरी बार ट्राई कीजिए कि आप उसके साथ साथ बोलिए। वो सिर्फ एक सहयोगी है। शी इज जस्ट अ कोलीग। शी इज जस्ट अ कोलीग। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। आई नो यू वुडंट डू एनीथिंग टू हर्ट मी। आई नो यू वुडंट डू एनीथिंग टू हर्ट मी। मैं समझता हूँ तुम ऐसा क्यों महसूस करती हो। आई अंडरस्टैंड वाई यू फील दैट वे। आई अंडरस्टैंड वाई यू फील दैट वे। चलो हम एक नियम बनाते हैं। लेट्स मेक अ रूल। लेट्स मेक अ रूल। काम से घर आने के बाद मैं अपनी सेक्रेटरी से बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू माई सेक्रेटरी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क। आई विल नॉट टॉक टू माई सेक्रेटरी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क। बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपना फोन रख दो और पढ़ाई पर ध्यान दो। सन आई हैव आस्क्ड यू सेवरल टाइम्स टू पुट योर फोन डाउन एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। सन आई हैव आस्क्ड यू सेवरल टाइम्स टू पुट योर फोन डाउन एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। ये तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड फॉर योर आईज। इट्स नॉट गुड फॉर योर आईज। मम्मी सब यूज करते हैं अपना फोन। मम्मी एवरीवन यूजेस देयर फोन। मम्मी एवरीवन यूजेस देयर फोन। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ। इट्स नॉट लाइक इट्स जस्ट मी। इट्स नॉट लाइक इट्स जस्ट मी। तुम होमवर्क खत्म होने के बाद अपना फोन यूज कर सकते हो। यू कैन यूज योर फोन आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क। यू कैन यूज योर फोन आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क। पर ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको सारा दिन यूज करता हूँ। बट इट्स नॉट लाइक आई एम यूजिंग इट ऑल डे। बट इट्स नॉट लाइक आई एम यूजिंग इट ऑल डे। मुझे बस कभी कभी ब्रेक चाहिए होता है। आई जस्ट नीड अ ब्रेक समटाइम्स। आई जस्ट नीड अ ब्रेक समटाइम्स। तुम बिना फोन यूज करे भी तो ब्रेक ले सकते हो। यू कैन टेक अ ब्रेक विदाउट यूजिंग योर फोन। यू कैन टेक अ ब्रेक विदाउट यूजिंग योर फोन। तुम सैर करने जा सकते हो या किताब पढ़ सकते हो। यू कैन गो फॉर अ वॉक और रीड अ बुक। यू कैन गो फॉर अ वॉक और रीड अ बुक। पर वो बोरिंग है मम्मी। बट दैट्स बोरिंग मम्मी। बट दैट्स बोरिंग मम्मी। हर कोई मजे करने के लिए फोन चलाता है। एवरीवन यूजेस देयर फोन टू स्टे एंटरटेन्ड। एवरीवन यूजेस देयर फोन टू स्टे एंटरटेन्ड। ठीक है तुम हर रोज एक घंटा फोन यूज कर सकते हो। ओके यू कैन यूज योर फोन फॉर वन आवर डेली। ओके यू कैन यूज योर फोन फॉर वन आवर डेली। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। आई लाइक अ गर्ल। आई लाइक अ गर्ल। कौन है वो? हु इज शी? हु इज शी? उसका नाम है टीना। हर नेम इज टीना। हर नेम इज टीना। मैं महीनों से कोशिश कर रहा हूँ कि उससे मिलने का कोई तरीका मिल जाए। आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू मीट हर फॉर मंथ्स। आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू मीट हर फॉर मंथ्स। वो यहीं पर है। शी इज हेयर ओनली। शी इज हेयर ओनली। लेकिन मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। बट आई डोंट हैव द गट्स टू वॉक ओवर देयर। बट आई डोंट हैव द गट्स टू वॉक ओवर देयर। चलो भी राहुल, यही तुम्हारा मौका है। कम ऑन राहुल, दिस इज योर चांस। कम ऑन राहुल, दिस इज योर चांस। एक बार तो कोशिश करो। जस्ट गिव इट अ शॉट। जस्ट गिव इट अ शॉट। तुम्हारा जाता क्या है? वट डू यू हैव टू लूज? वट डू यू हैव टू लूज? अरे रहने देते हैं। ओ लेट्स जस्ट स्किप इट। ओ लेट्स जस्ट स्किप इट। पता नहीं मैंने तुम्हें बताया ही क्यों। आई डोंट नो वाई आई इवन टोल्ड यू। आई डोंट नो वाई आई इवन टोल्ड यू। वैसे तुम उसे जानते कैसे हो? हाउ डू यू नो हर एनी वे? हाउ डू यू नो हर एनी वे? हम एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं। वी वर्क इन द सेम बिल्डिंग। वी वर्क इन द सेम बिल्डिंग। मुझे लगता है कि तुम्हें सीधे जाना चाहिए और बात शुरू कर देनी चाहिए। आई थिंक यू शुड जस्ट गो ओवर देयर एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। आई थिंक यू शुड जस्ट गो ओवर देयर एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। देखते हैं, बाद में चलूँगा। मे बी लेटर। मे बी लेटर। टालना क्यों है? वाई पुट इट ऑफ? वाई पुट इट ऑफ? कौन जाने? हु नोज? हु नोज? तुम दोनों की तुरंत ही दोस्ती हो जाए, यू टू माइट हिट इट ऑफ। यू टू माइट हिट इट ऑफ। वो नहीं होने वाला। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इतना नेगेटिव क्यों हो गए हो अचानक से? वाई आर यू सो नेगेटिव ऑल ऑफ अ सडन? वाई आर यू सो नेगेटिव ऑल ऑफ अ सडन? मैंने तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन यू लाइक दिस। आई हैव नेवर सीन यू लाइक दिस। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मे बी यू आर राइट। मे बी यू आर राइट। मुझे शुरुआत करनी चाहिए और वहाँ चले जाना चाहिए।
I should just take the initiative and walk over there. I should just take the initiative and walk over there. पर मैं कहूँ क्या? But what should I say? But what should I say? अपना परिचय दो और पार्टी के बारे में बात करनी शुरू कर देना. Just introduce yourself and start talking about the party. Just introduce yourself and start talking about the party. या फिर ये कह देना कि तुमने उसे काम पे देखा है. Or mention that you have seen her at work. Or mention that you have seen her at work. मुझे थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे बात करनी होगी. I need to muster up some courage and talk to her. I need to muster up some courage and talk to her. अब समझे तुम, now you got it. अगर मैंने ये मौका खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा. If I pass up this chance, I will never be able to forgive myself. If I pass up this chance, I will never be able to forgive myself. तो मैं चला, मुझे शुभकामनाएं दे दो. Well, here I go. Wish me luck. Well, here I go. Wish me luck. मैंने आपको आसपास देखा है, क्या आप यहीं रहती हैं? I have seen you around. Do you live nearby? I have seen you around. Do you live nearby? मैंने भी आपको अपने ऑफिस की बिल्डिंग में देखा है. I have also seen you in my office building. I have also seen you in my office building. आपका नाम राहुल है ना? Your name is Rahul, isn't it? Your name is Rahul, isn't it? हाँ, मेरा नाम तो राहुल ही है. Yes, my name is Rahul only. Yes, my name is Rahul only. पर आपको कैसे पता? But how do you know that? But how do you know that? असल में राहुल, मुझे तुमसे कुछ काम था. Actually, Rahul, I had some work with you. Actually, Rahul, I had some work with you. क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए टीना? इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट्स में. वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए.